ये बड़ी खबर आपको बता दें, और ये खबर है कि बिहार चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की बैठक हो रही है, लेकिन इस बीच मांझी का मोदी सरकार पर हमला हुआ। कानून व्यवस्था के लिए केंद्र पर निशाना साधा, केंद्र ने सही समय पर दखल नहीं दिया। ये आपके माध्यम से हम अपनी वेदना को व्यक्त करते हैं और भारत सरकार से कहते हैं कि अब भी अगर कानूनी कुछ बात हो तो आप हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि ये ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में पहले से हम कह रहे थे। चाहे किसान की आत्महत्या का मामला हो या हमारे बच्चे जो नौकरी के लिए जाते रहे हैं किशनगंज में गए थे उनको पीट पीट करके हत्या करने की बात आई, या फिर इस प्रकार क्या कारण है कि सामूहिक बलात्कार होता है और सामूहिक बलात्कार में बलात्कार करने वाला आरोपी हम नहीं कह सकते हैं भय लगता है, लेकिन एक विशेष जात के ही लोग होते हैं। क्या इशारा कर रहे हैं, आइए देखते हैं क्या कहा इन्होंने पासवान पर। आज तक नीतीश कुमार ने शेड्यूल कास्ट को तोड़ करके रखा था और उसमें रामविलास पासवान जी भी कहीं न कहीं कमी है, जिसके चलते आज पासवान भी मेरे साथ हैं और पासवान और महादलित को मिला करके हमने एक तरफ चलने की बात की है। कहाँ में थे वो रामविलास जी, अपने समय काल में वो मिलवा लेते जरा सबको। आज क्यों दुसाध को किया गया था अंत्यज, जीतन मांझी ने जोड़ा है, जीतन मांझी ने रखा है। Thank you.